हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो वो सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। ये कंपाउंड है, इस पर रिएक्शन कराया गया है ClCH2COCl का Fe Cl3 के प्रेजेंस में बेंजीन के 1 मोल का रिएक्शन। दिस इज़ द फ्रीडल क्रैफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये फ्रीडल क्रैफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्रैफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रैफ्ट रिएक्शन में आप कैटाइन उधर बनाइए जिधर कैटाइन मोर स्टेबलाइज है। तो अगर आप कैटाइन इधर की तरफ बनाएंगे ये इस साइड से, तो आपको जो कैटाइन मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा। दिस इज ClCH2CO+। यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस के बगल में ओ है, ओ ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे के इसको स्टेबलाइज कर दिया। तो दिस इज ClCH2C(OO)+। हाईली स्टेबलाइज कैटाइन बन गया, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 बॉन्ड्स 8 इलेक्ट्रॉन, ओ से 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हाईली स्टेबलाइज। तो यहीं पर कैटाइन बनेगा, यहीं पर, और ये प्लस जाके बेंजीन से रिएक्शन शुरू कर लेगा। यहाँ पर नहीं बनेगा, 1 ही मोल बेंजीन है, तो यहाँ पर कैटाइन आप नहीं बनाएंगे। तो पहले कैटाइन वहीं बनेगा जहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज, यहाँ पर बन गया और प्लस जाके बेंजीन से रिएक्ट कर लेगा। सो द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज दिस वन। नाउ दिस इज ClCH2CO एंड pH। pH मीन्स बेंजीन फिनाइल। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिएक्शन दिया गया है कि ये PHCH2CH2Br है, इस पर NaCN का रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि नाउ यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज pH, यहाँ Br की जगह CN आ जाएगा। SN2 रिएक्शन हो गया पहले स्टेप में, CN- जाके इस पर अटैक करेगा, Br निकल जाएगा। नाउ यू विल गेट लाइक दिस। एंड ऑल ऑफ यू नो कि CN की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, दिस इज P। CN की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अपने को COOH मिल जाएगा। नाउ CN विल गेट कन्वर्ट टू COOH, दिस इज Q। अब Q पर हमने रिएक्शन करा दिया इथाइल अल्कोहल का, दिस इज OHCH2CH3, लाइक दिस। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होता है, एसिड से OH, अल्कोहल से H निकल गया। सो नाउ द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज PHCH2CO OCH2CH3, दिस वन, दिस इज द R। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट, दिस इज PHCH2CH2COOCH2CH3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड यील्डेड ए कंपाउंड डी। पहले तो आप ये जानिए कि ऐसे सभी कंपाउंड जहाँ पर OH मौजूद होता है, ये ऐसे अगर ये कंपाउंड है ROH, इसका रिएक्शन अगर मैं SOCl2 से करा दूंगा तो OH की जगह Cl आ जाएगा, दिस इज RCl। ऐसे यहाँ भी देखिए OH है, दिस वन, दिस इज CH3CH2COOH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस पर हमने SOCl2 का रिएक्शन कराया, तो SOCl2 का रिएक्शन कराया, नाउ यू विल गेट CH3CH2COCl, ऐसे हो गए। अब इस पर हमने अमोनिया का रिएक्शन करा दिया, दिस इज द बी, इस पर अमोनिया का रिएक्शन करा दिया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, ओवरऑल HCl निकल गया। नाउ यू विल गेट CH3CH2CONH2, यू विल फाइंड एमाइड, दिस इज कंपाउंड सी एंड दिस इज एमाइड।
एमाइड पर Br2 का रिएक्शन है KOH के प्रेजेंस में. नाउ अब ये हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन शो करेगा. इस पर Br2 प्लस KOH का रिएक्शन करा दें. नाउ इट विल शो हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन. और हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन में कोई भी एमाइड RCuNH2 होता है दैट विल गेट कन्वर्ट टू RNH2. RNH2 यानी ये जो बीच का CU है ये एलिमिनेट हो गया एक तरीके से. सो नाउ द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट दिस इज CH3 CH2 NH2. इथेनामीन आपको मिल जाएगा. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज दिस बी ऑप्शन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज द राइट आंसर बी. ये बहुत ही बढ़िया सवाल है. ये एसिटोफिनोन है. इस एसिटोफिनोन का रिएक्शन PHCOCH3 इसका रिएक्शन I2 प्लस NaOH से यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन करा दिया गया. तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं. अब आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा. तो उसमें जो COCH3 में जो CH3 होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये तो हेलोफॉर्म में बदल जाएगा. और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये साल्ट ऑफ एसिड में बदल जाएगा. सो नाउ यू विल फाइंड आइडोफॉर्म CHI3 प्लस PHCOO-, बगल में एन प्लस, साल्ट ऑफ एसिड. दिस इज कंपाउंड एक्स, दिस इज कंपाउंड वाई. या आप इसको आप एज्यूम कर लें कि दिस इज एक्स, सॉरी दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स. अब वाई पर सिल्वर का रिएक्शन कराया गया है. दिस इज CHI3, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. दिस इज CHI3. इस पर सिल्वर जाके रिएक्ट कर लेगा. मैं एक दूसरा आइडोफॉर्म मोल ले ले रहा हूँ, दूसरा सेकंड मोल ऑफ आइडोफॉर्म, ऐसे हीट कर दिया थोड़ा सा. अच्छा, यही येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है. आइडोफॉर्म का जो कलर होता है येलो, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है. अब जब हमने रिएक्शन करा दिया तो अब आप देखिए यहाँ से ना ये सिल्वर आयोडाइड निकल गया. तो यू विल गेट 6 मोल ऑफ AgI प्लस आपको एसिटिलीन भी मिल जाएगा ऐसे. सो जो जेड होगा, जेड इज दिस वन, दिस इज द जेड. सो द करेक्ट आंसर इज दिस बी ऑप्शन. दिस वेरी गुड क्वेश्चन. सो आपका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सवाल है कि फाइंड द फॉलोइंग रिएक्शन. ये एस्टर है. दिस फंक्शनल ग्रुप इज द एस्टर. बेसिक मीडियम में रिएक्शन है. एस्टर बेसिक मीडियम में, और ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है. सो ऐसे एस्टर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है वो बेसिक मीडियम में क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं. सो दिस रिएक्शन इज द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन. और क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में आप क्या करेंगे कि दिस इज CH3 CH2 COO C2H5 है, तो एक एस्टर से आप OC2H5 निकाल देंगे और एक के अल्फा कार्बन से H निकाल देंगे. दिस इज CH3 CH2 COO C2H5. आप देखिए, आपने एक से OC2H5 निकाल दिया और एक से H निकाल दिया ऐसे. नाउ यू विल फाइंड दिस इज CH3 CH2, दिस इज CO, दिस इज CH CH3, दिस इज COO C2H5. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज वेरी सिंपल. ABCD में आपसे पूछा जाए आंसर क्या होगा, सो आंसर इज दिस ए ऑप्शन. दिस इज द राइट आंसर. सिंपल, दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन. एक एस्टर से आपने OC2H5 निकाल दिया और एक के अल्फा कार्बन से आपने H निकाल दिया.
मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। अब इस पर बी यू एल आई का हमने रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो अब ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज सी एस थ्री सी ओ, सी एस टू सी एस टू, दिस इज सी एस टू सी एस टू। अब देखिए 1 2 3 4 है, ठीक। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखें, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज पी पी एस थ्री, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर एच मौजूद है, ये बहुत ही स्ट्रांग माइनस आई ग्रुप है। बी यू एल आई बहुत ही स्ट्रांग बेस है, दिस इज स्ट्रांग बेस। अब ये बी यू एल आई इस एच पर अटैक कर देता है, सो नाउ व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज सी ओ सी एस टू सी एस टू सी एस टू पी पी एस थ्री, यहाँ प्लस, एच प्लस निकला तो माइनस, ये प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड, सो नाउ यू विल गेट दिस इज सी ओ बे डबल बॉन्ड पी पी एस थ्री हो गया, इलाइट बन गए। नाउ दिस इज इलाइट, फास्फोरस इलाइट, और फास्फोरस इलाइट कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके, दिस इज फास्फोरस इलाइट, दिस वन इज फास्फोरस इलाइट, फास्फोरस इलाइट कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके विटिग रिएक्शन देते हैं। तो अब आप इसमें विटिग रिएक्शन करा दीजिए, तो एकदम सिंपल, एक से ओ निकला और ये पी एस थ्री पी ओ निकल जाएगा, तो आपको रिंग बन जाएगी, दिस इज 1 2 3 4 5, ऐसे हो गए, और ये 6। सो नाउ यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, यहाँ पर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया, तो आपको जो रिंग मिल गई, शायद मैंने एक कार्बन यहाँ ज़्यादा ले लिया था, यहाँ पर दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया था। तो इस इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, बट हमने एक कार्बन ज़्यादा ले रखा है, यहाँ पर एक कार्बन कम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर। मैं इसलिए 6 मेंबर बना रहा हूँ क्योंकि हमने एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया था, ये ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इसका राइट आंसर डी, दिस इज द विटिग रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, सवाल को ध्यान से देखिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, मीडियम बेसिक है, हीट है, तो दिस इज क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन, एकदम सिंपल सा क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज पी एच, ऐसे इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन, और जो दूसरा कंपाउंड है ये विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, बेसिक मीडियम हीट है, आप एच टू ओ निकाल दीजिए, यहाँ भी एच टू ओ निकाल दीजिए, नाउ यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज पी एच पी एच, दिस इज पी एच, दिस इज पी एच डबल बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस इज क्रॉस या मिक्स एल्डॉल कंडेंसेशन रिएक्शन, मीन्स एल्डॉल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल इन विच वन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन वाइल अनदर वन डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, सो इन बेसिक मीडियम सच कंपाउंड्स गेट टुगेदर टू गिव एल्डॉल कंडेंसेशन रिएक्शन, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज ऑप्शन ए। इसको देखिए, पीसीसी के साथ रिएक्शन है, ठीक है। अब पीसीसी के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया, आपको ऐसे मिल जाएगा। अब इस पर हमने रिएक्शन कराया सी एस थ्री एन एच टू का,
तो अब कार्बोनिल कंपाउंड इससे रिएक्ट करके ऐसे बना लेगा। सो नाउ यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज डबल बॉन्ड एन एन सी एस थ्री ऐसे। अब इस पर हाइड्रोजन का रिएक्शन है पैलेडियम कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन पैलेडियम कार्बन के साथ है तो आप देखिए ये अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में बदल जाएगा। सुनाओ अब आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ऐसे हो जाएगा, दिस इज एन सी एस थ्री और एच। सो दिस इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ए। मूविंग फॉर द नेक्स्ट, ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। ये कंपाउंड है, इस पर H प्लस पहले जाके रिएक्ट करेगा, H प्लस O पर लोन पेयर, O ने अपने लोन पेयर H प्लस को दे दिए। सो आपको जो मिला वो ऐसे मिल गया, O पर आ गया प्लस, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। अब O प्लस ने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया तो आपको जो कैटायन मिला वो हाईली स्टेबलाइज 3 डिग्री कैटायन मिल गया ऐसे। अब इस पर मिथेनॉल का रिएक्शन है, मिथेनॉल इज सी एस थ्री ओ एच, ओ पर लोन पे। अब क्या हुआ कि भाई ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, एच प्लस निकल गया। सुनाओ फाइनली यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज ओ सी एस थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो अब आप देखिए राइट आंसर क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए इस कार्बन पर 2 मिथाइल और 1 OCH3, तो इस कार्बन पर 2 मिथाइल और 1 OCH3 और ए सी एस टू एच, तो ये सी एस टू एच भी आ गया। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें H लगा देना है और यहाँ पर हमें OH लगा देना है। यानी H वहाँ लग रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, OH वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। तो किसी एल्कीन पर वाटर का एडिशन कराना है मार्कोनिकोव रूल से बिना किसी रीअरेंजमेंट के, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन बोलते हैं, OMDM रिएक्शन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें एल्कीन पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकोव रूल से बिना किसी रीअरेंजमेंट के होता है, और ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट्स होते हैं वो ये होते हैं, दिस इज द रिएजेंट। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस पर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन है, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी हेलाइट पर RX पर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो ROH बन जाएगा, और इस पर अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो ईथर बन जाएगा। सो नाउ यू विल गेट ROR। सो दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से ईथर बन जाएगा, तो ईथर आप देखिए इन दोनों ऑप्शन में कौन सा है, तो दिस इज द राइट आंसर, आंसर इज डी, इज इट क्लियर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि किसी हेलाइट पर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से एल्कोहल व ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से वहाँ पर ईथर बन जाता है। देखिए बढ़िया सवाल, PCC जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलता है, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सो ये जो अल्कोहल है दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, और ये जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा पर 3 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस आंसर सी। आई थिंक दिस इज क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी टूवर्ड डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पर जिसका कटाइन जितना स्टेबलाइज होगा
उसमें डिहाइड्रेशन उतना फास्ट होगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें डिहाइड्रेशन कराएंगे तो वाटर निकलेगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस हाईली डिस्टेबल है तो बनता ही नहीं, मैंने आपके समझने के लिए बना दिया, डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस हाईली डिस्टेबलाइज। यहाँ पर जो कैटाइन बना ऐसे बना, ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, यहाँ पर जो कैटाइन बनेगा वो और ज़्यादा रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, प्लस बना ऐसे, अब ये प्लस और ज़्यादा रिजोनेंस से स्टेबलाइज है ऐसे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और यहाँ जो कैटाइन बनेगा वो सिंपल होगा लेकिन उसमें रिजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन बना वो बना टू से, टू के बाद थ्री से, थ्री के बाद फोर से, देन वन से, टू थ्री फोर वन, ठीक है। तो आंसर इज दिस डी, जिसका कैटाइन जितना स्टेबलाइज, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उसमें उतना फास्ट। सब लोग जरा ध्यान से देखें, इस पर जिंक और हीट का रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई टू रिएक्शन। ई टू रिएक्शन इज एन एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन, एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन। अब एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन में दोनों सीएल को आप निकाल दीजिए, पर दोनों सीएल को अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो आप क्या करिए कि इस कंपाउंड को इसके न्यूमेन फॉर्म में बदल दीजिए। इस कार्बन पर देखिए ऐसे, इस कार्बन पर ये मिथाइल पीएच और सीएल है, और उसी तरह से जो पीछे वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन है ये, इसमें देखिए मिथाइल के पैरेलल मिथाइल, पीएच के पैरेलल पीएच और सीएल के पैरेलल सीएल। रिएक्शन तभी होगा जब दोनों सीएल के डायरेक्शन अपोजिट हो जाए ऐसे। तो आप क्या करिए, एक को कांस्टेंट रखिए, जो येलो बैकग्राउंड में है उसको कांस्टेंट रखिए, दिस इज मिथाइल पीएच एंड सीएल, और व्हाइट वाले को इतना रोटेट कराइए कि दोनों सीएल अपोजिट हो जाए। अब आप देखिए सीएल यहाँ आ गया, तो ये मिथाइल यहाँ आ गया और ये पीएच यहाँ आ गया, अब दोनों सीएल अपोजिट हो गए, अब दोनों सीएल अपोजिट हो गए, निकल जाएंगे, ये निकल गया, ये निकल गया। अब आपको जो प्रोडक्ट मिला, आप देखिए आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो ऐसे मिल जाएगा, दिस इज पीएच, दिस इज मिथाइल, और दूसरा जो बना ऐसे, दिस इज पीएच, दिस इज मिथाइल। अब आप देखिए दोनों मिथाइल अपोजिट, दोनों पीएच अपोजिट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज पीएच, दिस इज मिथाइल, और यहाँ पर दिस इज पीएच, दिस इज मिथाइल, इस तरीके से। वन मिनट, यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर दिस इज मिथाइल एंड दिस इज पीएच। अब आप देखिए ट्रांस एल्कीन मिल जाएगा, नाउ यू विल गेट ट्रांस एल्कीन लाइक दिस। तो आप देखिए इसमें ट्रांस एल्कीन कौन सा है, तो आंसर इज ए, दिस इज द ट्रांस एल्कीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड व्हिच अंडरगो फास्टेस्ट रिएक्शन विद एक्वस एनएवएच। एक्वस एनएवएच से रिएक्शन है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट SN2 रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शन किस में सबसे फास्ट होगा? सो SN2 रिएक्शन उसमें सबसे फास्ट होगा जिसमें ट्रांजिशन स्टेट हाईली स्टेबलाइज होगी। तो जो आपको ए बी सी डी चारों सबस्ट्रेट दिए गए हैं, उसमें आप ये देखिए कि कौन सा सबस्ट्रेट हाईली स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। सो द आंसर इज ए, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो ऐसे बना, दिस इज पीएच, दिस इज सीएच, ये सीएल लीविंग ग्रुप की तरह अटैक करे, रिलीज हो जाएगा ऐसे, एंड दिस इज OCH3, OCH3 ऐसे। यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा इस पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ऐसे। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये हाईली स्टेबलाइज है, ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, साथ साथ ओ के लोन पेयर से भी स्टेबलाइज है, हाईली स्टेबलाइज TS। SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबलाइज होगा रेट ऑफ SN2 उतना फास्ट होगा।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडर गो फास्टेस्ट इलिमिनेशन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक केवच। एल्कोहलिक केवच से ई टू रिएक्शन होता है। ई टू रिएक्शन इज एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन। एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन वहीं पर फास्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ एंटी पोजिशन जितनी ज़्यादा होंगी। एंटी पोजिशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ ई टू रिएक्शन उतना फास्ट होगा। यहाँ पर जो एच होगा वो डैश लाइन पर होगा। ये दोनों सिन हो गए तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं इस केस में। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक एच डैश लाइन पर है और यहाँ पर भी एक एच डैश लाइन पर है और एक एच वेज लाइन पर है। तो आप देखिए इसमें एंटी पोजिशन दो हैं, टू एंटी पोजिशन, टू एंटी पोजिशन। एंटी पोजिशन जितनी ज़्यादा होंगी रेट ऑफ ई टू रिएक्शन उतना फास्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हीट है, ये ईवन रिएक्शन है। ईवन रिएक्शन में कटायन बनता है, लीविंग ग्रुप आप निकाल दीजिए। लीविंग ग्रुप निकालेंगे कटायन बनेगा, 2 डिग्री कटायन। मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी क्योंकि कटायन में रीअरेंजमेंट होता है। अब ये कटायन ऐसे बन गया। अब प्लस के बगल के कार्बन से एच निकाल दीजिए, एच निकाल देंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा। नाउ दिस इज द सेट ऑफ प्रोडक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट, इस पर पी एच एम जी बी आर का रिएक्शन एक्सेस में है। गुड क्वेश्चन। सो दिस इज सी ओ सी एल टू, इस पर पी एच एम जी बी आर का रिएक्शन, पी एच माइनस एम जी बी आर प्लस। पी एच माइनस अटैक करेगा सी एल निकलेगा, फिर ये अटैक करेगा तो दूसरा सी एल निकलेगा। दोनों सी एल पहले पी एच से रिप्लेस हो गए। दिस इज पी एच सी ओ पी एच, दो लिविंग ग्रुप थे। अब इस पर फिर से एक मोल पी एच एम जी बी आर का रिएक्शन हमने करा दिया। ये पी एच माइनस एम जी बी आर प्लस, ये जाके इस पर अटैक किया, ओ माइनस, ओ माइनस ऐसे बन गया। दिस इज पी एच सी ओ माइनस, दिस इज पी एच, दिस इज पी एच, बगल में एम जी बी आर प्लस। अब इस पर एच प्लस एच टू ओ का रिएक्शन हो गया हाइड्रोलिसिस, तो ओ माइनस एच प्लस लेके ओ एच में बदल गया। नाउ दिस इज पी एच पी एच एंड दिस इज ओ एच, 3 डिग्री अल्कोहल। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज दिस सी ऑप्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि जेई मेंस और नीट दोनों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ही दिनों में हम लोग एक और नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।